जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 10 सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ। नंबर 10 पोजीशन पर आई है हुंडई ग्रैंड ई-ट्रॉन। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 8,787 यूनिट्स बिकी थी। गाड़ी का एक शोरूम प्राइस शुरू होती है 5.23 लाख टू 8.45 लाख। नंबर 9 पोजीशन पर आई है मारुति की इको। इस गाड़ी की जून के महीने पूरे भारत के अंदर 9,218 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम प्राइस 4.08 टू 5.29 लाख। नंबर 8 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी एर्टिगा। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 9,920 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम प्राइस 7.79 टू 10.56 लाख। नंबर 7 पोजीशन पर आई है हुंडई की क्रेटा। गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 9,941 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम प्राइस 10.2 17.71 लाख। नंबर 6 पोजीशन पर आई है मारुति की आल्टो। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 12,513 यूनिट्स बिकी थी। एक शोरूम प्राइस 3 लाख टू 4.61 लाख। नंबर 5 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी डिजायर। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 12,639 यूनिट सेल हुई है। एक शोरूम प्राइस 5.98 टू 9.3 लाख। नंबर 4 पोजीशन पर आई है मारुति की ब्रीजा। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 12,833 यूनिट सेल हुई है। एक शोरूम प्राइस 7.51 टू 11.25 लाख। नंबर 3 पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 14,701 यूनिट सेल हुई है। एक शोरूम प्राइस 5.97 टू 9.27 लाख। नंबर 2 पोजीशन पर आई है मारुति स्विफ्ट। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 17,727 यूनिट सेल हुई है। एक शोरूम प्राइस 5.73 टू 8.41 लाख। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति की वैगन आर। इस गाड़ी की जून के महीने में पूरे भारत के अंदर 90,447 यूनिट सेल हुई है। एक शोरूम प्राइस 4.82 6.33 लाख।